अपने 23 साल की पत्रकारिता में राजनीतिक खबर को कवर करने के दरमियान जो मैं महसूस किया वही आपको बता रहा हूं कि राजनीति में अगर आपको झूठ बोलना आता है तो उसे सफलता का पैमाना कहा जाता है। आप बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल दें, आपके पास कोई आपके क्षेत्र की जनता अगर पहुंची है किसी काम वास्ते, तो वह काम अगर नहीं भी होने वाला हो तो आप उसे हां कह दें। अगर वह कहे कि हमें चांद पर जाना है चंद्रयान 3 की तरह, तो आप कह दें कोई बड़ी बात नहीं है, अरे हम कल भिजवा देंगे, क्या ही बात कहते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात है। कहने का मतलब कि आपको पूरी तरह से सफेद झूठ बोलने आता हो तभी आप सफल राजनेता हैं। लेकिन पलामू प्रमंडल में एक ऐसा भी राजनेता है जिसके द्वारा सच को सच, झूठ को झूठ, अगर बात गलत है तो उसे सिरे से गलत बोलने का वो मादा रखता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, आइए आपको पूरी खबर दिखाते भी हैं और उस राजनेता के बाबत बताते भी हैं। अरे मोहन जी क्या हुआ, आप तनिक भी मत चिंतित हो, मैं बोल दिया हूं। अरे आप भी हैं रघुवीर जी, क्या हालचाल है, आप फिर परेशान होने आ गए। तो मैं तो उसी रोज आपके अब सामने ही अमुक अधिकारी से बोल दिया था। यह तो एकमात्र बानगी है, ऐसे कई अल्फाज लोगों को उन नेताओं से सुनने को मिलते हैं जिन्हें एक आस के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, पर क्या उनकी आस पूरी हो पाती है? इसका आभास आपको अगर करना हो तो कभी उन अबोध लोगों के करीब चले जाइए, आपको पूरी तरह से उनके हालात का एहसास हो जाएगा। मैं यहाँ किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, कई ऐसे राजनेता हैं जिनके फितरत में ऐसा बोलना शुमार है, लेकिन उनमें भी एक राजनेता ऐसा है जिसका व्यवहार ना तो पद पर रहने से पूर्व बदला और ना ही आज ही उसमें बदला हुआ, वो कल भी वही थे जो आज हैं। दरअसल हम बात यहां गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। जो उनकी दिनचर्या कल थी वही आज भी है, वह कल भी अहले सुबह से देर रात तक लोगों के बीच रहते हुए उनकी समस्या को सुनते और उसका समाधान किया करते थे, वो आज भी ठीक उसी तरह लोगों के बीच मौजूद हैं। सहजता से किसी से मिलना और मिठास भरे लहजे में उनसे बात करते हुए सामने वाले को अपना बना लेने वाले मंत्री एक बड़े जनाधार वाले प्रतिनिधियों में शुमार होते हैं। ऐसे तो वर्तमान गुजरते वक्त में जब वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो वहां होने वाली लोगों की मौजूदगी यह एहसास कराती है कि वो किस हद तक लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, साथ ही क्षेत्र के लोगों के दिलों में वो किस गहराई से तक पिवस्त हैं, वो अनवरत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नुमाया हो जाता है। जहां केवल कार्यक्रम और उसमें उनकी मौजूदगी मात्र की जानकारी होने के साथ ही क्षेत्र के लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने और उनकी बातों को सुनने वहां तक खुद ब खुद पहुंच जाया करते हैं, साथ ही जहां एक और लोग उनसे मिलकर हर्षित होते हैं तो वहीं दूसरी ओर खुद मंत्री भी आह्लादित होते हैं। उधर क्षेत्र में लोगों के बीच मौजूद रहकर उनकी परेशानी को दिली शिद्दत से सुनते हुए उसके समाधान में जुटे रहना उनका शगल सा बन गया है। लोग उनसे मिलकर क्यों हर्षित होते हैं, इसका एक प्रमुख वजह यह है कि जिस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में वो निवास करते हैं वो पूरी तरह से अविकसित और अनगढ़ था, जिसे किसी जनप्रतिनिधि द्वारा ना तो विकसित किया गया और ना ही गढ़ा गया। लेकिन जब से ये यानी मिथिलेश ठाकुर यहाँ के विधायक एवं राज्य के मंत्री बने, तब से उनके द्वारा एक संकल्प के साथ जहां अविकसित क्षेत्र को विकसित किए जाने का अभियान शुरू किया गया, तो वहीं दूसरी ओर अनगढ़ गढ़वा को
एक नए स्वरूप में गढ़ा जाने लगा। तभी तो जिन ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए रहा करते थे, आज वो खुशी से दमक रहे हैं। लेकिन एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि वो इतने विकासीय कार्य कार्यान्वित कराए जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव आप कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अपने संघर्ष साल के दरमियान क्षेत्र के गांव में पहुंच लोगों के करुण हालात को देख भावुक होते हुए जिस तरह उनके द्वारा दृढ़ संकल्प लिया गया था, लगता है उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, तभी तो संतुष्ट नजर नहीं आते हैं वो। उधर विपक्ष के किसी भी आरोप का जवाब बोल कर देने के बजाय उसका जवाब काम से देने में विश्वास रखने वाले मंत्री एक बात जरूर कह रहे हैं कि आज लोग सपना बहुत देख रहे हैं, लेकिन शायद वो जानकारी से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं या मुगालते में हैं कि उनका सपना उस हसीन ख्वाब की तरह है जो कतई पूरा नहीं होता, क्योंकि जिसके जरिए वो अपने सपने को पूरा हो जाने का ख्वाब संजोए हुए हैं, वही उनसे दूरी बना लिए हैं जो शायद अब कभी नजदीकियों में नहीं बदलेगी। साथ ही कहा कि मैं संजीदगी से क्षेत्र के लोगों का साथ महसूस कर रहा हूं, बस यही साथ आने वाले वक्त तक बनाए रखना है, ताकि मेरा जो दिली लक्ष्य है आपके मुरझाए चेहरों पर खुशी लाने का, मैं उस लक्ष्य को हासिल कर सकूं और अनगढ़ गढ़वा को पूरी तरह नए स्वरूप में गढ़ सकूं।